होना चाहिए था। नेहरू की अंग्रेजों की चापलूसी करते करते एक पाकिस्तान बना दिया उन्होंने, और एडविना के साथ उनके अवैध रिश्ते थे, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। मोतीलाल नेहरू उनके एडवोकेट थे वो, और उनका बेटा नेहरू अंग्रेजों का एजेंट था, उसने एडविना के साथ अवैध रिश्ते रखे। और उनका पहला वायसराय कौन था इस देश का? पहला वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ कौन थी? एडविना माउंटबेटन। एडविना माउंटबेटन लवर किसकी थी? नेहरू की। तो नेहरू से अंग्रेजों ने जानबूझकर पाकिस्तान का बंटवारा किया था। अभी बर्बाद देश बर्बाद ही था अभी तक। ये तो मोदी जी के आने के बाद देश के लोग अवेयर हो गए। अब देश की इकोनॉमी अच्छी जा रही है, 7.7, देश सुरक्षित है, इस्लामिक आतंकवाद से बचा हुआ है, बहुत सारी बातें हैं सर। ये देश में नेहरू के कारण 370 लगी, एक निशान, एक संविधान, एक प्रधान इस देश का होना चाहिए था, ये बोला था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 5 अगस्त 2019 में। मोदी जी ने हटाया पहली कलम से, जब 303 सीटें बीजेपी जीती, इसीलिए आज उस व्यक्ति की निर्मम हत्या हो गई। कन्हैया कुमार ने भी लेटर लिखा था कि मेरे को मारने की धमकी दी गई है, लेकिन कन्हैया कुमार को भी बचाने में असफल रही गहलोत सरकार। गौथ मोहम्मद, रियाज मोहम्मद को फांसी नहीं चढ़ाया मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते कि वोट मिल जाएगा, वही स्थिति यहाँ पे भी है। युवाओं के नाम पे धब्बा। अखिलेश यादव बाप का अपमान करने वाला टेडी नाम। योगी आदित्यनाथ। शास्त्रों शस्त्र लेके चलने वाला योगी योद्धा, सनातनी योद्धा। अभी एक नाम बहुत चर्चित है, बालकनाथ योगी। भावी मुख्यमंत्री या भावी गृह मंत्री राजस्थान। राजस्थान। आखिरी नाम, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, भारत के भाग्य विधाता और भारत के अवतारी पुरुष। करते हैं, कुछ लोग और जुड़े हैं, उसी मुद्दे को उठाते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, वो उधर गया कैसे? अभी अमित शाह जी कह रहे हैं कि अब वापस लाना है उसको, और उधर गया उसके लिए जिम्मेदार नेहरू जी को बताया गया। चलिए लोगों से पूछ लेते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आपके हिसाब से वर्तमान में किसका हिस्सा होना चाहिए था? भारत का ही होना चाहिए, पाकिस्तान भी भारत का होना चाहिए था। नेहरू की अंग्रेजों की चापलूसी करते करते एक पाकिस्तान बना दिया उन्होंने, और एडविना के साथ उनके अवैध रिश्ते थे, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। मोतीलाल नेहरू उनके एडवोकेट थे वो, और उनका बेटा नेहरू अंग्रेजों का एजेंट था, उसने एडविना के साथ अवैध रिश्ते रखे। और उनका पहला वायसराय कौन था इस देश का? पहला वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ कौन थी? एडविना माउंटबेटन। एडविना माउंटबेटन लवर किसकी थी? नेहरू की। तो नेहरू से अंग्रेजों ने जानबूझकर पाकिस्तान का बंटवारा किया था। जिन्ना तो बीमार था, 1948 में मरने वाला है, डॉक्टर ने इंफॉर्मेशन दे दी थी कि जिन्ना डेथ करने वाले हैं, नेहरू हाथ जोड़ दे थोड़े दिन के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए, जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने दे देश का, फिर तो ये देश एक ही रहेगा, अखंड रहेगा। नहीं, हम तो प्रधानमंत्री बनेंगे। वो यहाँ का बन गया, वो वहाँ का बन गया, पाकिस्तान भी बर्बाद, ये भी बर्बाद, देश बर्बाद ही था अभी तक। ये तो मोदी जी के आने के बाद देश के लोग अवेयर हो गए। अब देश की इकोनॉमी अच्छी जा रही है, 7.7, देश सुरक्षित है, इस्लामिक आतंकवाद से बचा हुआ है, बहुत सारी बातें हैं सर। ये देश में नेहरू के कारण 370 लगी, एक निशान, एक संविधान, एक प्रधान इस देश का होना चाहिए था, ये बोला था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 5 अगस्त 2019 में। मोदी जी ने हटाया पहली कलम से, जब 303 सीटें बीजेपी जीती, ये विल पावर है। अब पीओके में भी यही विल पावर चाहिए, और जल्द ही पीओके भारत में मिलाइए। चलिए, क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, मतलब कि सर ने जीडीपी की बात कही, देखिए आरबीआई का स्टेटमेंट था, आरबीआई का 7.6 पहली दफा आरबीआई का स्टेटमेंट क्रॉस किया है, मतलब कि ये काम हुआ है। देखिए साहब, लोग कहते हैं मोदी जी के पांच काम गिनाओ, एक दो काम होता है तब में गिना जाता है, ऐसे ही नहीं बनती है। मतलब कि भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, काम होता है साहब। देखिए, पीओके पे आते हैं थोड़ा, अभी आप कहीं और घुस गए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ अभी। आप ज्यादा बिजी दिख रहे थे इसलिए माइक लाया, अब वापस मैं इधर आता हूँ।
चले। अभी जिस तरीके से अमित शाह जी ने वहाँ बोला कि अब 33 जो था वो बंटवारा हो चुका है, पीओके में जो 24 विधानसभा जो सीट है वो पीओके का रिजर्व हो चुका है, तो ये अच्छा डिसीजन है या फिर? बहुत अच्छा डिसीजन है, ये संकेत है कि भाई हम विधायक वहाँ से भी लड़वाएंगे और वहाँ पे भी कमल खिलाने की तैयारी है, यही तो संकेत दिए हैं। पहले दो सांसद होते थे, 556 सीटें हैं ना, 56 सीटें हैं वैसे भारत की लोकसभा में, तो दो सीटें कहाँ की है? रिजर्व पीओके की। अब वैसे ही कश्मीर में भी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और भारत का कश्मीर है, ये दोनों मिला के एक हो जाएंगे, तो वहाँ पे भी विधायक और रिजर्व कर दी है कश्मीरी पंडितों के लिए भी सीटें। मैं तो कहता हूँ वहाँ पे जम्मू के लोगों को भी रिजर्व कर देना चाहिए, वहाँ की पुलिस में, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में कश्मीरी पंडितों को बसाया जाना चाहिए, तभी इस देश का भला होएगा। मुख्य धारा में जब ये कश्मीरी पंडित आएंगे, कश्यप ऋषि के नाम से जाना जाता है कश्मीर, 800 साल पहले वहाँ कोई भी मुसलमान नहीं था, ये गुलाम नबी आज़ाद का बयान है, तो वहाँ के सारे मुसलमानों को भी हिंदू बनाने की ज़रूरत है, उनकी घर वापसी कराओ, क्योंकि सर तन से जुदा नारा इस देश में नहीं चलेगा, यालिफ गालिफ चालिफ इस देश में नहीं चलेगा, पाकिस्तान का झंडा इस देश में नहीं चलेगा, ISIS का झंडा इस देश में नहीं चलेगा, मस्जिदों से आतंकी नारे तकरीरें नहीं चलेंगी, इस देश में सिर्फ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे लगेंगे। ऐसा है क्या? ऐसा ही होना चाहिए, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। मैं तो कहता हूँ भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बनाओ। अच्छा, 370 कश्मीर में जब तक था, तो शुरू से लेके जब तक नहीं हटा उस वक्त तक 45,000 लोगों की, सिविलियंस की मौत हुई है वहाँ पे, इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? इस्लामिक आतंकवाद और नेहरू की गलत नीतियाँ, 370 वहाँ क्यों लगाई? सबसे बड़ी बात, अब क्यों नहीं हो रही हत्या है? अब एक आध छुटपुट घटना होती है, वो भी किसी स्लीपर सेल की वजह से या मुखबरी के कारण वहाँ पे हमला हो जाता है वहाँ के लोगों पे। 45,000 सिविलियन या हमारे सेना के आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के लोग मारे गए, BSF के लोग मारे गए, PRPF के लोग मारे गए, उसका रीज़न नेहरू ही है या कांग्रेस की गलत पॉलिसियाँ, मुस्लिम तुष्टिकरण, हाफिज सईद से गले मिलना या यासीन मलिक जैसे लोगों को सर पे चढ़ाना, गिलानी को सर पे चढ़ाना, मुस्लिम तुष्टिकरण इस देश को मार रहा है। मोदी जी बार बार कह रहे हैं कन्हैया लाल की हत्या हुई, सर कोई बदला लिया? आज भी मजे से बिरयानी खा रहे हैं वो राजस्थान की जेलों में बैठ के। अब भाजपा की सरकार बनेगी तब सजा मिलेगी उन्हें, क्योंकि 2014 में जब मोदी जी आए थे उससे जस्ट पहले प्रणब मुखर्जी ने सजा दी थी आमिर अब्दुल कसाब को, याकूब मेनन को तो मोदी जी के आने के बाद सजा दी गई है। समझो इन फैक्टर्स को, जिहादी क्यों डरते हैं मोदी जी से, भाजपा से, संघ से, ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी। हमारी सीधी, मोदी जी की सीधी पॉलिसी है स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस्लामिक आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, अब कश्मीर से बाहर जब इधर आ ही गए हैं हत्याओं के ऊपर, तो अभी वर्तमान में कुछ चल रहा है, जयपुर में एक हत्याकांड हो गया, राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष जो सुखदेव सिंह जी थे उनके घर में घुसकर गोली मार दिया गया, तो इस तरीके की घटना क्योंकि तीसरी बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सरकार नहीं बनी है, मतलब अभी तक अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ, मतलब जीतने के बाद ऐसा हुआ है। गहलोत ने हत्या करवाई है, अशोक गहलोत जिम्मेदार है, FIR में नाम भी आ गया है। अशोक गहलोत ने सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई, सुखदेव सिंह जो गोगा मैडी है वो अच्छे हिंदूवादी नेता थे, अच्छे करनी सेना के राजपूत नेता रहे, उन्होंने गौ माता की बहुत सेवा करी, हिंदुओं की बहुत सेवा करी, और सुखदेव सिंह जी का कद बढ़ता जा रहा था इसीलिए उनकी निर्मम हत्या करवा दी गई। इसका पूरा श्रेय अशोक गहलोत को दिया जाना चाहिए और अशोक गहलोत को अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। भाजपा का इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि उनकी सरकार नहीं है, उनका कोई मुख्यमंत्री नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि जो जिनकी हत्या हुई है सुखदेव सिंह जी की, वो पहले उस वहाँ की सरकार से सिक्योरिटी की मांग कर रहे थे कि मुझे जान का खतरा है, क्या लगता है कहीं कुछ कॉन्स्पिरेसी तो ऐसी नहीं बनाई गई कि अब इलेक्शन हम लोग हारने वाले नहीं देते हैं इसको, और उसके बाद कुछ वैसा प्लान तो नहीं हुआ है? बहुत समय से उन्हें सुरक्षा नहीं मिल रही थी, इलेक्शन के रिजल्ट आने के अगले दिन ही तो डेथ हुई है। वो डेथ अपने आप में कोई कॉन्स्पिरेसी ही पैदा कर रही है कि इसका आरोप भाजपा में मर दिया जाए या भाजपा को बदनाम कर लिया जाए, लेकिन उनके पुराने बयान निकल के आ गए, उन बयानों में पाकिस्तान से उन पे हमले होने वाले हैं, पाकिस्तान से थ्रेट आ रही है और बहुत सारे आतंकी उनको मारना चाहते हैं, बहुत सारे गैंग्स उनको मारना चाहते हैं, इसके बारे में बार बार वहाँ की तत्कालीन सरकार अशोक गहलोत सरकार को, वहाँ के गृह मंत्री को अवगत कराया गया, वहाँ की पुलिस को, DCP को, इन सबको अवगत कराया गया, उनको लेटर लिखे गए कि इनको सुरक्षा उपलब्ध करवाओ, लेकिन सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई गई, इसीलिए
आज उस व्यक्ति की निर्मम हत्या हो गई। कन्हैया कुमार ने भी लेटर लिखा था कि मेरे को मारने की धमकी दी गई है, लेकिन कन्हैया कुमार को भी बचाने में असफल रही गहलोत सरकार। गोत मोहम्मद रियाज मोहम्मद को फांसी नहीं चढ़ाया मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते कि वोट मिल जाएगा, वही स्थिति यहाँ पे भी है। मैं ये कहूँगा तुष्टिकरण में, परिवारवाद में, भ्रष्टाचार में इतने अंधे मत हो जाओ कि तुम राष्ट्र की सुरक्षा के साथ या राष्ट्र के लोगों की सुरक्षा के साथ समझौता कर लो। तुमने कन्हैया लाल की हत्या करवा दी, तुमने गोगा मैडी की हत्या करवा दी, तुमने दलितों की निर्मम बलात्कार और हत्याएं करवा दी, तुमने साथ साथ पेपर लीक करके युवाओं का करियर बर्बाद कर दिया। कांग्रेस के हाथ का कारण, हार का कारण यही है, ये हत्याएं, ये दलितों पे अत्याचार, ये पेपर लीक और एक षड्यंत्र हिंदुओं के खिलाफ, PFI को परमिशन देना, करौली दंगे कराना, जोधपुर दंगे कराना, बहुत सारी बातें हैं सर। यह आखिरी चुनाव था, अंतिम कील थी, अब कांग्रेस राजस्थान में कभी वापसी नहीं कर पाएगी। चलिए, एक जब ये जो हत्या हुई है इसमें कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी हाथ है इसमें, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता, ये टेक्निकल नहीं, मैं वो टेक्निकल बातें हैं, लेकिन मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि जब अक्सर कहीं कुछ होता है तो लॉरेंस बिश्नोई जिम्मेदारी लेता है कि मेरा गैंग है, तो सरकार उसे जेल में रख के क्यों खिला रही है, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं होता? चल रहे हैं सर, कोई भी हत्या हो जाती है गोल्डी बरार और इन सब का नाम डाल देते हैं, वो कह देते हैं हाँ, वो कहते हो गई, वो कह देते हैं हाँ, बस यही चल रहा है। मेरे को क्लियरली कोई चार्जशीट दिखाओ, क्लियरली इनके अरेस्टिंग दिखाओ, कहाँ रह रहे हैं ये दिखाओ, ये सब शिगुफा चल रहा है। हम जो बातें करते हैं ना ये अलग होती है, पुलिस की तफ्तीश अलग होती है, अब तो इस पर NIA भी जाँच कर रहा है, आतंकी घटना भी हो सकती है ये, और जो चार्जशीट्स होती हैं या FIR होती है उसकी वो अलग चीज़ होती है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। टेक्निकल पे जाएंगे तो इनके आरोपी कोई और पकड़े जाएंगे, कोई भी हो सकता है। चलिए, अब मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करने वाला हूँ, कुछ नेताओं के नाम बताऊंगा और उनके बारे में एक सेंटेंस, एक शब्द, दो शब्द, जो आपकी मर्जी है वो बोलिएगा, ठीक है? पहला नाम ममता बनर्जी। जिहादी दीदी ममता बनर्जी। चलिए, दूसरा नाम है नीतीश कुमार। पलटू राम बोला जाता है, पर भगवान राम का भी अपमान मत करो, पलटू कुर्सी राम, कुर्सी मतलब कुर्सी के लिए पलट सकता बार। एक कहावत है, जिधर मार मिलता है उधर आगे, हम बोलना नहीं चाह रहे हैं, बिहार में ये कहावत है, शायद आप वो बोलना चाह रहे हैं उनको, ठीक है? तीसरा नाम लालू यादव। चारा चोर घोटालेबाज। तेजस्वी यादव। अनपढ़ गंवार और युवाओं के नाम पे धब्बा। अखिलेश यादव बाप का अपमान करने वाला टेढ़ी नाम। योगी आदित्यनाथ। शास्त्रों शस्त्र लेके चलने वाला योगी योद्धा, सनातनी योद्धा। अभी एक नाम बहुत चर्चित है, बालकनाथ योगी। भावी मुख्यमंत्री या भावी गृह मंत्री राजस्थान। आखिरी नाम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, भारत के भाग्य विधाता और भारत के अवतारी पुरुष, यही कहना चाहिए, यही कह सकते हैं। एक आखिरी सवाल अभी आपसे, 2024 में मोदी सरकार की हैट्रिक या फिर इंडिया अलायंस का कोई नेता भारत का प्रधानमंत्री? अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 बार हैट्रिक। पहले यूं दिखाया जाता था, अब यूं दिखा।